आइए बहना, क्या नाम है, कहाँ से हैं आप, साथ में है कोई आपके? कोई बात, आप आगे आ गए, वहां खड़े हो गए, आप वहां जो दो नंबर पंडाल में पीछे की तरफ खड़े थे वही है ना? ओके, तो तुम्हारे दो नाम होने चाहिए। एक नाम तो पारोल हो, अच्छे से बैठो, रो बिल्कुल ना बहना, थोड़ा नजदीक आओ। क्या पहली बार आई आप दरबार में? माइक ले सकती हूँ, परिचय तो माइक से दे दीजिए, बाकी आप अगर परिचय नहीं बोलना चाहते। राम, कहाँ से हो आप, अपना परिचय पूरा नाम दे दो। मैं दिल्ली से हूँ। क्या समाधान चाहते हैं? बस जो चाहिए वो मिल जाए, जो चाहिए वो मिल जाए। क्या संतान वाली अर्जी है आपकी? पढ़िए। परिवार में शांति हो, पेट में दर्द है, संतान कामना 100% 2026 तक पूर्ण होगी, आशीर्वाद है। गांठ बनी है, गांठ बनने के कारण गर्भाशय में दिक्कत है, असहनीय दर्द भी होता है। जी बहना, सलाह है तो डॉक्टर ही चलानी पड़ेगी। हाँ, पहले ये उन्हीं की सलाह से चलिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह बंद नहीं करना है, दोनों की आवश्यकता है आपको। हमने इसमें एक मंत्र भी लिखा, मंत्र देवी का है, इसकी तीन माला, ओम एं डॉट। खुश? और आप तो मानती नहीं, आप तो बहुत जगह गई, आपने तो बहुत प्रयोग करवाए, प्रयोग मतलब विधियां, भगवान शंकर का भी आपने करवाया है और आपने देवी का भी करवाया है, देवी का श्रृंगार भी आपने दिया है और आपने देवी के यहाँ से भी बंधन करवाया है, आपने अकाल मृत्यु से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाया है, उसके लिए भी आपने साथ में इसी के लिए आपने रोग को मिटवाने के लिए भी उपाय करवाया है, हनुमान जी की भी आप सेवा करते हैं, आप उतना मानते भी नहीं थे लेकिन मन में श्रद्धा हनुमान जी की, बागेश्वर हनुमान जी की टीवियों पे देखकर बहुत जाग गई थी, फिर मन में आया कि चलते हैं, हनुमान जी कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। भाई रूप में हनुमान जी को आप जो है प्रेम करती हैं, आप हनुमान जी को भाई मानती हैं और आपने कहा भी था कि आप अगर हमारे सच्चे वाले भाई हो तो हमारी अर्जी सुन लो, उन्होंने तुम्हारी अर्जी भी सुन ली, और क्या सुना हमारा भाई भाई बहना वेरी हाई भाई है। चलो आशीर्वाद पूरे परिवार पे कृपा, अब धाम आओ, ठीक बहना? कोई संदेह, बात एकदम सही, माइक से बोलो। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, पंडित दीनेंद्र कृष्ण शास्त्री की जय। नरक में कीड़ा पड़ेंगे हमें, हनुमान जी की दया, बस बस बस, खूब खुश हो गया।